नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल फाइव। तो एग्जाम्पल फाइव क्या है आपका? टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। यू कैन सी दैट दो सर्कल जो है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए और बी पर। एडी एंड एसी आर डायमीटर। एडी भी आपका डायमीटर है और एसी भी आपका क्या है? डायमीटर। प्रूव दैट पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट, लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट डीसी। तो आपको बेसिकली प्रूव करना है कि डीसी एक लाइन है, आपको ये प्रूव करना। देखो अगर ये डायमीटर है तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इन सेमी सर्कल होगा। आप कहोगे बिकॉज एडी इज अ डायमीटर, या आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बिकॉज एडी एंड एसी आर डायमीटर, देयरफॉर एंगल एडीबी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए, नॉट एंगल एडीबी, एबीडी, एंगल एबीडी, ये वाला एंगल आपका सेंटर पे आएगा। एंगल एबीडी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। और दोनों का रीजन क्या होगा? एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, नाउ एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू दैट इज डी सी इज अ लाइन सेगमेंट। डीसी इज अ लाइन सेगमेंट, तो आप कह सकते हो हैंस बी लाइज ऑन, बिकॉज बी इसी पर लाई कर रहे हैं, तो बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट डीसी। इज इट क्लियर? ठीक है,